दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स के बारे में। सभी इंजीनियर्स को ये पता होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आपको दो कॉलम के क्रॉस सेक्शन दिख रहे हैं। अगर कॉलम का क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर है तो कम से कम 4 नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट बार उसके अंदर होने चाहिए, और अगर कॉलम का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है तो उसके अंदर मिनिमम 6 नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट बार होने ही चाहिए। स्लोप ऑफ स्टेयरकेस कितना होना चाहिए, थीटा कितना होना चाहिए? तो दोस्तों स्लोप ऑफ स्टेयरकेस या एंगल बोल दो 25-40 डिग्री के बीच में होना चाहिए, जिससे आसानी होगी चढ़ने में। कम से कम स्लैब थिकनेस कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 125 mm मिनिमम स्लैब थिकनेस होनी चाहिए, उससे ज्यादा है तो अच्छा है। कंक्रीट को 1.5 मीटर से ज्यादा की हाइट से नहीं गिराना चाहिए। दोस्तों आप अपनी साइट के ऊपर चेक करो कि आप कितनी हाइट से कंक्रीट का प्लेसिंग करते हो या गिराते हो। दोस्तों इसे कहते हैं डीपीसी, यानी कि डैम प्रूफ कोड। तो अपने कंस्ट्रक्शन के अंदर डीपीसी जरूर से प्रोवाइड करिए, और मिनिमम थिकनेस है इसकी 2.5 सेंटीमीटर। साइट इंजीनियरिंग के बारे में दोस्तों सीखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ एनरोल कर चुके हैं, सीखते हैं, डाउट पूछते हैं, रोजाना सीखते हैं। लिंक दोस्तों इसका बायो में मिल जाएगा, वहां पर जाइए, डीएम करिए, एनरोल करिए और आगे बढ़िए।